सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव संसारी प्राणी संसार में जो कोई भी कार्य करता है उन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए उसे बल की आवश्यकता होती है। बिना बल के कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है। बल व्यय होता है, द्रव्य ज्योंकी त्यों रहता है, गुड़ भी द्रव्य के साथ अविनाभावी रूप से रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय और प्रत्येक गुड़ की पर्याय भी होती है। जो भी पुद्गल द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य का जब जब भोग किया जाता है, भोगने वाले द्रव्य तो एक बार भोगने में आ जाते हैं, किंतु जिनका उपभोग किया जाता है वे द्रव्य उपभोग करते करते अपनी शक्ति से कभी रहित भी होते हैं, कभी शक्ति से सहित भी होते हैं। उनकी पर्याय हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जैसे आप प्रयोग करते हैं दूर संचार यंत्र का, इसे आपकी भाषा में कहें मोबाइल, दूरभाष संचार के माध्यम से आप उस यंत्र से अपने शब्दों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, किंतु वह नया ही क्यों न हो उसमें बैटरी होती है, बैटरी से वह चार्ज होता है, पुनः कुछ समय तक काम करता है, पुनः डिस्चार्ज हो जाता है, पुनः बाद में चार्ज करना पड़ता है, ऐसे कई बार वह चार्ज करना पड़ता है। बार बार चार्ज करते रहो तो अपने वह दीर्घकाल तक काम करता रहता है, चार्ज नहीं करो तो काम नहीं करता। किंतु चार्ज भी कैसे हो, कहाँ से हो, जहाँ पर पावर हाउस है वहाँ जाके उसे कनेक्ट करो, उसका दोनों का एक साथ स्पर्श हो जाए तो उसकी पावर इसके पास आ जाती है। कई बार पावर इकट्ठी कर लेते हैं, संग्रहित कर ली, पावर बैंक होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उसमें रखी पावर, उसके बाद में मोबाइल में लगाया तो चार्ज आती रहती है। लाइट नहीं आ रही तो मोबाइल चार्ज नहीं हो सकेगा, पावर बैंक में भी नहीं है तो चार्ज नहीं हो सकेगा, या लाइट आ रही है पावर बैंक में हो, या कोई लैपटॉप से चार्ज कर रहा है, लाइट भी आ रही है पावर है किंतु उसमें तार उसे टच नहीं हो रहा, जो चार्जिंग की केबल है वो ख़राब है तो चार्ज नहीं होगा। चार्ज हो रहा है वो ख़राब नहीं है, किंतु बैटरी ही ख़राब है तभी वो चार्ज नहीं होगा। पावर बैंक में वहाँ पर या इलेक्ट्रिसिटी या पावर होना चाहिए, जो केबल है वह भी ठीक होना चाहिए, मोबाइल की बैटरी भी ठीक होना चाहिए, और सिम कार्ड है वह भी काम करना चाहिए, तब फिर वह मोबाइल काम करता है। यदि रेंज के बाहर पहुंच गए तब भी काम नहीं करेगा, बैलेंस ख़त्म हो गया तब भी काम नहीं करेगा, स्विच ऑफ है तब भी काम नहीं करेगा, यदि सामने वाले का मोबाइल बिजी जा रहा है तो काम नहीं करेगा, सामने वाले का स्विच ऑफ जा रहा है तब भी काम नहीं करेगा, तुम कहीं चर्चा कर रही हो तो सामने वाला चर्चा करना चाहता है बिजी है तब भी काम नहीं करेगा, बहुत सारी कंडीशन है। ऐसे ही उस मोबाइल के लिए बार बार शक्ति की आवश्यकता होती है,
घड़ी में सेल चलता है, सेल डैमेज हो जाए तो अपन दूसरा लगाना पड़ता है। पहले ऐसी घड़ी चलती थी जिनमें 24 घंटे में एक बार चाबी देनी होती थी, और चाबी दे देते फिर चालू रहती थी। प्रभु भक्ति और कुछ नहीं, वह चेतना की इस बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर हाउस है। यदि 24 घंटे में एक बार, कोई बड़ी मशीन है तो दो बार चार्ज करना पड़ता है, तीन बार चार्ज करना पड़ता है, कोई ज़्यादा समय में चार्ज करना पड़ता है, लेकिन चार्ज करना पड़ता है। जो भक्त प्रभु की भक्ति करता है 24 घंटे में एक बार मन से करता है, उसे इतनी आनंद की अनुभूति होती है, वह कहता है मुझे बस सब कुछ मिल गया। प्रातःकाल भगवान के दर्शन मिल गए, भगवान का अभिषेक कर लिया, देख लिया, पूजन किया, या और भी भगवान की भक्ति स्तुति आदि पढ़ ली, भक्तामृत स्तोत्र आदि और भी कोई स्तोत्र पढ़ लिया, तो बड़ी शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है। यदि ये क्रम छूट जाता है तो लगता है बस मेरा सब कुछ छूट सा गया। भक्त भव्य जो है वही परमात्मा से अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर पाता है। यदि वह भव्य नहीं है तो उसे चार्ज नहीं हो पाएगी। और फिर पावर हाउस भी ठीक होना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी हो। वीतरागी सर्वज्ञ देव हैं, परमात्मा हैं, सर्वदर्शी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जन्म वर्ण के इस चक्र से मुक्त हो चुके हैं, उनसे बैटरी चार्ज होती है। नाम मात्र के परमात्मा तो उसे बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। अब उसकी भक्ति प्रभु के बिल्कुल एकीकृत हो जाए, यदि बैटरी का जो प्लग है, जो मोबाइल से चार्जिंग केबल लगाई, उसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से टच हो जाएगा, तो टच होते ही करंट आना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा भी गैप रहेगा तो करंट नहीं आएगा। ऐसे ही भक्त और भगवान, जब भक्त की श्रद्धा प्रभु के चरणों में लग जाएगी, वह भक्त भगवान में एकीकृत हो जाता है, तो उसे ऐसा लगता है भगवान की शक्ति मुझे मिल रही है। वह भक्ति के बल से बड़े बड़े कार्यों को संपन्न कर देता है। मुझे भगवान पर विश्वास है, मेरा काम ऐसा हो जाएगा, तो वह नहीं बोल रहा, उनकी अंदर की श्रद्धा बोल रही है, और श्रद्धा से बहुत बड़े बड़े काम हो भी जाते हैं। श्रद्धा नहीं होती है तो काम नहीं हो पाते। श्रद्धा वह स्विच बोर्ड से और मोबाइल जो है दोनों के बीच की केवल है, जो वहाँ भी टच है यहाँ भी टच है, यहाँ आत्मा में उत्पन्न हुई और वह भाव वहाँ तक प्रभु परमात्मा तक भावों से स्पर्श कर रहा है, चाहे शरीर से स्पर्श नहीं कर रहा, भावों से स्पर्श कर रहा है, तो करंट वहाँ से आ रहा है। बीच में एक इंच का भी गैप पड़ जाए तो करंट नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान में और भक्त में थोड़ा कोई गैप पड़ जाए, विग्रह पड़ जाए, तो भगवान की पावर भक्त को नहीं आ पाती। महानुभाव, ये चार दोष हैं भक्ति के, चार गुण हैं। चार गुण होते हैं तो भक्ति होती है, और दोष होते हैं तो भक्ति नहीं होती, भक्ति का फल नहीं मिलता। चार गुण कौन कौन से हैं? पहली सबसे पहली कंडीशन है भगवान के प्रति, इष्ट आराध के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा हो। वह श्रद्धा क्या क्यों कैसे करके नहीं, सहज में श्रद्धा हो। श्रद्धा सहज में है तो भगवान की शक्ति मिल सकेगी, श्रद्धा नहीं है तो चाहे कितनी भी उठापटक करे, भगवान की शक्ति उसे प्राप्त न होगी। दूसरी कंडीशन है उस भक्त का भगवान के प्रति निस्वार्थ समर्पण हो, कोई स्वार्थ नहीं, समर्पण पूरा होना चाहिए। समर्पण समर्पण होता है, उसमें कोई आशा नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, कोई मांग याचना कुछ नहीं होती, समर्पण है। और समर्पण में ही उसे आनंद की अनुभूति होना चाहिए, नहीं तो वह समर्पण ही नहीं। तीसरी बात है उस भक्त के अंदर अपने इष्ट आराध्य के प्रति
पूर्ण विनय का भाव होना चाहिए। श्रद्धा, समर्पण, विनय, यदि अपने इष्ट आराध्य को देख करके वह नम्रीभूत नहीं होता है, मन से, वचन से, शरीर से, यहाँ तक कि अपने इष्ट आराध्य को देखता है, आँखें झुक जाती हैं, आत्मा झुक जाती है, स्वतः सहज ही एक समर्पण का भाव जागृत होता है, विनय अपने आप प्रकट होती है। और अगली बात है भक्ति, प्रभु परमात्मा के प्रति उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना। लाइट भी आ रही है, मोबाइल भी लगा है, डाटा केबल भी ठीक है, किंतु वह मोबाइल चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कई मोबाइल में ऐसा होता है कि स्विच ऑन करने के चार्ज लेगा, कोई स्विच ऑफ करके चार्ज लेता है, फिर ऑन कर दिया जाता है, और उसे ऑफ कर दिया तो लगा भी रहेगा तो चार्जिंग को नहीं लेगा। ऐसे ही श्रद्धा भी हो, समर्पण भी हो, विनय का भाव भी हो और भक्ति भी हो, ये चार बातें हैं, तब हमारी आत्मा का यह मोबाइल या यंत्र परमात्मा के पौरव से चार्ज हो सकता है। अब इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, चार दोष हैं, चार में से कोई दोष न होगा तो चार्ज ठीक से हो सकेगा। कौन सा दोष है? पहला दोष है शंका। यदि प्रभु परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्त मन में शंका से युक्त है तो समझो वह केवल डाटा केवल कट है, बीच में कट होने से वह चार्जिंग नहीं लेगा। यदि शंका हो रही है बार बार तो वह चार्ज नहीं हो सकेगा। तो शंका, शंका करके बैठ गई मैं भक्ति कर रहा, इससे कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो शंका के साथ कभी प्रभु परमात्मा की भक्ति कोई भक्त प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, चलो शंका नहीं है। दूसरी बात, यदि स्वार्थ, जिस स्वार्थ कहो, काम कहो, कांक्षा कहो, ये है, तब भी प्रभु परमात्मा की भक्ति का वह फल नहीं ले सकता। वह चार्ज तो ठीक है, किंतु वह कहता है एक मिनट के अंदर ही मेरा मोबाइल चार्ज हो जाना चाहिए, जल्दी चार्ज हो जाना चाहिए। नहीं, वह क्रम क्रम से चार्ज होगा। लाइट डिम आ रही है तो चार्जिंग ले न ले, ठीक आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो ब्लास्ट हो सकता है, बैटरी फट सकती है, उसकी लिमिट होती है। वह सोचे कि इस चोट से क्या नाम है चार्ज हो रहा नहीं हो रहा, शंका हो रही है, तब भी नहीं कर पाएगा। और शंका नहीं है, यदि मन में कोई याचना है, कामना है, भावना है, तब भी वो नहीं कर सकेगा। वह अपने प्रभु परमात्मा से कुछ भी याचना न करे। चार्जिंग चार्जिंग है, कोई बैलेंस नहीं है। चार्जिंग करने से मोबाइल में बैलेंस नहीं आ जाएगा। बैलेंस होगा तो चार्जिंग सार्थक है, बैलेंस नहीं है तो चार्ज से कुछ होने वाला नहीं, चार्ज तो हो गया। यदि बैलेंस है चार्ज नहीं है तो भी बेकार है, बैलेंस है तो तभी चार्ज भी जरूरी है। तो शंका भी नहीं होना चाहिए और कांक्षा भी नहीं होना चाहिए, डोरी भी ठीक होना चाहिए, और उसमें जो पावर है और क्रम से जैसे आ रहा है वैसे आना चाहिए। तीसरी बात है जो दोष, वह है भक्ति में छल नहीं हो। यदि भक्ति करते करते छल आ रहा है मन में, छल का भाव हो रहा है, तो छल के साथ भी भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि छल के साथ भक्ति करने का आशय तो ऐसा ही है जैसे कहीं दीवार पर स्विच बोर्ड का चित्र बना दिया और बोर्ड लगा करके उसमें मोबाइल का स्विच लगा दिया तो चार्ज नहीं होगा। यथार्थ में होना चाहिए, यथार्थ भगवान हो, यथार्थ भक्त हो, यथार्थ भक्ति हो, तभी हो सकता है। मोबाइल का चित्र बना दिया, लाइट ठीक आ रही है तो चित्र के मोबाइल में वह चार्ज नहीं होगा। लाइट में चित्र बना दिया, लाइट का चित्र तो भी काम नहीं चलेगा। अब तीनों ही निर्दोष हों, शंका भी न हो, कोई याचना कामना भावना न हो, भक्ति निष्काम होती है,
निष्कांक्ष होती है, नविलासा से होती है, वह तो सही समर्पण है। समर्पण के पहले बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया जा सकता है, समर्पण के बाद कुछ नहीं, श्रद्धा ही सब कुछ है। वह भक्ति हृदय से निष्पन्न होती है, हृदय में कोई मस्तिष्क नहीं होता और मस्तिष्क के पास हृदय नहीं होता। जो मस्तिष्क के सारे जीने वाले होते हैं वे कभी निस्वार्थ समर्पण कर नहीं सकते, जो निस्वार्थ समर्पण करते हैं वे बुद्धि को लगा नहीं सकते। तब आत्मा का यह दूर संचार यंत्र कैसे चार्ज होगा? तो इसमें दोष, तीन दोष हुए। पहला दोष शंका, दूसरा याचना कामना कांक्षा, तीसरा छल कपट मायाचारी। चौथा दोष और है, वह है चौथा दोष समय का अभाव, जल्दबाजी। भक्ति तो करना चाहता है किंतु उसके पास समय नहीं है, जल्दी आकर के करना चाहता है। वह समय का महत्व ज़्यादा रख रहा है, भगवान का महत्व कम है। भगवान की भक्ति में तो समय का एहसास ही नहीं होता। वह जो जल्दबाजी में भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करना चाहता है, ऐसे ही समझो वह गर्भ के 9 महीने बिताए बिना कुछ ही दिनों में पुत्र का जन्म हो जाए, खेत में बीज बोते ही फसल आ जाए। वह सोच रहा है स्कूल में पहले दिन पढ़ने के लिए गए और तुरंत ही रेल रात में आ जाए, पुरस्कार मिल जाए, या किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है तुरंत ही रॉ मटेरियल से माल बन के तैयार हो जाए। खेत में गन्ने का बीज बो दिया, दूसरे दिन बोरा भर के शक्कर बोरा भर के ले आए, मिश्री उसे खेत में मिल जाए, देखो मैंने कल बीज बोया आज मिश्री मिल गई। बहुत सारा बीज बोया है, बता रहे हैं कि सैकड़ों बोरा शक्कर मिलेगी और मिश्री भी बनाओगे तो आपको कई कुंटल मिश्री मिलेगी, किंतु मिलेगी तुम्हें 1 साल के बाद, 365 दिन के बाद इतनी मिल जाएगी, तो आज छोटा टुकड़ा तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, वह पर्याप्त समय से मिलेगी। ऐसे ही भक्ति में प्राय करके कई भक्त अधीर हो जाते हैं, अरे मैं इतने दिन से भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अभिषेक करता हूँ, यात्रा करता हूँ, जाप लगाता हूँ, ऐसा करता हूँ, मुझे कुछ फल नहीं मिला। इसका आशय उसने सच्ची भक्ति की ही नहीं, समय का इंतजार नहीं किया, याचना भी कर ली, भगवान पर शंका भी होने लगी, छल कपट भी करने लगा। मैंने की है भक्ति, भक्ति करने वाला कभी भक्ति का दम्भ नहीं करता। भक्ति में कहीं कोई एहसान की बात नहीं होती, भक्ति में तो वह समर्पण करता है, समर्पण में ही आनंद की अनुभूति हो जाती है, और समर्पण में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो समझो समर्पण सच्चा है ही नहीं। भक्त कभी अपने भगवान से कुछ मांगता ही नहीं, उसे तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। मांगता वह है जिसकी भक्ति कच्ची होती है, सच्ची नहीं होती। सच्ची भक्ति में याचना नहीं है, सच्ची भक्ति में वंचना नहीं है, सच्ची भक्ति में शंका नहीं है, कामना नहीं है, छल कपट नहीं है, और ये सब जहाँ हैं वह सच्ची भक्ति नहीं है। महानुभाव, भक्ति आप लोग भी करो, भगवान से एकीकृत किए बिना भक्ति का आनंद नहीं आता। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, यदि तुम हाथ में मिश्री का टुकड़ा ले लो और जीभ निकाल करके उसे सामने से यूँ देखो, जीभ और मिश्री टच ना हो तो मिश्री के टुकड़े का स्वाद नहीं आएगा, भगवान की भक्ति का स्वाद कहाँ से आ जाएगा? एक ही भाव, जैसे तुम्हारा अपने परिवार के सदस्य के प्रति एक ही भाव हो जाता है, मोह हो जाता है, अपने शरीर के प्रति एक ही भाव है, कहीं शरीर में कष्ट होता है तो आत्मा अनुभूति होती है, किसी मकान से एक ही भाव है, उसे कोई चोट पहुंचाता है तुम्हारे यहाँ पर हृदय पर आघात पहुंचता है, अपने परिवार में बच्चों के प्रति एक ही भाव है, ऐसा एक ही भाव प्रभु परमात्मा के प्रति हो जाए तो प्रभु परमात्मा से शक्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जिस माँ का अपने बेटे के प्रति बहुत मोह होता है, बेटा अस्वस्थ होता है, माँ को स्वप्न आता है बेटा स्वस्थ है, आ रहा है, माँ को खुजली हो रही है, बेटे को खुजली हो रही है कि बेटा आने वाला है, समाचार आने वाला है, किंतु जिस माँ को अपने बेटे के प्रति मोह नहीं होता है उसे माँ को बेटे का, बेटे को माँ का ख्याल ही नहीं आता, न कोई ऐसी अनुभूति होती है। ऐसे ही प्रभु परमात्मा की भक्ति ऐसे करे, जब भगवान को छोड़ के जा रहा है तो भक्त को भगवान के बिना चैन न पड़े, वह भगवान के बिना
उसकी आंखें गीली हो जाए, अंदर से तड़पन पैदा हो, जो आप पढ़ते हैं विनय पाठ में, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोई स्वाधीन। इस प्रकार की तड़पन बेचैनी होना चाहिए जैसी तड़पन और बेचैनी किसी मछली को पानी में से बाहर निकालने पर होती है। जिस भक्त को भगवान के अभाव में ऐसी बेचैनी हो, तड़पन हो, किसी काम में मन न लगे, यदि उसे मंदिर से बाहर कर दिया, भगवान से दूर कर दिया, वह तड़प रहा है, भोजन की इच्छा नहीं, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, नींद नहीं आ रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, बस तत्क्षण भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतीक है। और जिसे भगवान के बिना सब चैन पड़ रहा है, घर में मौज मस्ती है, भगवान के पास ही गया, भगवान और तो ठीक है, बस मैं आपके लिए पास इसलिए आता हूँ मेरा व्यापार अच्छे चले, मैं आपके पास इसलिए आता हूँ कि मेरी बेटे की नौकरी लग जाए, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरा मकान जल्दी बन जाए, मेरे मकान बहुत अच्छा बने, मुझे शरीर का आरोग्य लाभ मिले, शरीर सुख मिले, इसलिए आता हूँ, तो वह व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, वह भगवान के यहाँ नौकरी करके मजदूरी में वस्तु प्राप्त करना चाहता है। जैसे कोई मजदूर किसी सेठ के यहाँ पर नौकरी करके कहता है, सेठ जी मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं देना, मुझे मकान दिलवा दो, सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये दुकान दिलवा दो, मुझे नौकरी दिलवा दो, तो जैसे वह मजदूर काम करता सेठ के यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ मजदूरी जैसी हो गई, भक्ति नहीं हुई। भक्ति में और मजदूरी में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। मजदूरी शरीर से की जाती है, भक्ति अंतर आत्मा से की जाती है। अंतर आत्मा से भक्ति करते समय मन वचन काय का सहयोग लिया जाता है, मन वचन काय धन सामग्री आदि सब समर्पित कर दी जाती है, आत्मा भी समर्पित हो जाती है, तब भक्ति का आनंद आता है। ऐसे भक्ति का आनंद शब्दों के माध्यम से नहीं आता। महान भाव, प्रभु परमात्मा की भक्ति करो, सच्चे मन से करो, सच्ची भक्ति करो, भगवान में डूब जाओ, बिल्कुल डूब जाओ, एक मेक हो जाओ। जैसे दूध में घी एक मेक है, जैसे दूध में शक्कर जाकर के एक मेक हो जाती है, सब्जी में नमक जाकर के एक मेक हो जाता है, सब एक मेक हो जाओ। जैसे पानी में शीतलता पहुँच जाती है, वह दोनों एक मेक हैं, पानी भी ठंडा हो गया, बर्फ जम गई, ऐसे तुम भी प्रभु भक्ति में एक मेक हो जाओ, तब निस्संदेह भक्ति का तुम्हें आनंद आएगा, वही आनंद आएगा जो प्रभु परमात्मा का आनंद है। फिर तुम्हें संसार के आनंद की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप भी अपने स्वात्मोत्पन्न आनंद का अनुभव करें। ऐसी मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पर अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।